सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई हमारे देश की मेन पुलिस एजेंसी है। जब भी कोई केस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है यानी कि कुछ जाना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है तब सीबीआई को बुलाया जाता है, क्योंकि सीबीआई में एक से एक स्मार्टेस्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो कि बड़े बड़े केसेस को इजीली सॉल्व कर देते हैं। सीबीआई ज्यादातर ड्रग्स, मर्डर, करप्शन या इंटरनेशनल केसेस में देखी जाती है, और सीबीआई ऑफिसर्स को पुलिस से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि सीबीआई का पॉलिटिक्स से थोड़ा कम लेना देना होता है, और कुछ कंडीशन में सीबीआई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। सीबीआई की मेन 7 ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच का एक स्पेसिफिक वर्क है जो कि हमारी चारों मेट्रो सिटीज में फैली हुई हैं और न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसे आप एक सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं और बनने के बाद एक सीबीआई ऑफिसर को कितनी सैलरी मिल रही होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीबीआई की पोस्ट हायरार्की पुलिस के जैसी ही होती है, जैसे कि सबसे पहले हम एज अ जूनियर ऑफिसर ज्वाइन करते हैं और धीमे धीमे प्रमोशंस या एग्जाम्स के द्वारा हमारी पोस्ट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो सीबीआई ज्वाइन करने के दो मेन केसेस हैं। पहला केस है कि आप पहले से ही पुलिस या इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको थोड़ी आसानी होगी क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों हैं। इसमें आप प्रमोशंस के साथ साथ धीमे धीमे सीबीआई ऑफिसर बन पाते हैं, और इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्स भी होते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे ऑफिसर्स के लिए होता है सीबीआई ज्वाइन करने के लिए। और भी कुछ तरीके होते हैं जो कि आप धीमे धीमे ऑटोमेटिकली सीखते जाएंगे। दूसरा केस है कि आप स्टूडेंट हैं या आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें कि आप डायरेक्ट सीबीआई ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इस केस में आपके पास दो एग्जाम्स हैं। पहला है एसएससी सीजीएल लेवल एग्जाम। एसएससी का एग्जाम क्लियर करके आप डायरेक्ट सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स मिलेंगी जैसे कि सब इंस्पेक्टर, और धीमे धीमे प्रमोशन के साथ साथ आपकी पोस्ट भी बढ़ती जाएगी। और ये ऑप्शन सबसे ईजी माना जाता है, लेकिन जहाँ ईजीनेस होती है वहाँ कॉम्पिटिशन भी होता है। एसएससी के द्वारा सीबीआई ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले लेवल 1 का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद लेवल 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, देन इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आप सीबीआई ऑफिसर बन जाएंगे। अगर आप ये प्रमोशन का लंबा रूट फॉलो नहीं करना चाहते हैं यानी कि डायरेक्ट ही सीबीआई में ग्रुप ए की हाईएस्ट पोस्ट पाना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी का ऑप्शन है, जिसमें कि हर साल लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं लेकिन कुछ हज़ार ही सिलेक्ट किए जाते हैं। और अगर आप ये हज़ार में से एक हैं तो आप यूपीएससी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं वही डायरेक्टली सीबीआई में भी हाई पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट पुलिस कैडर्स में मूव कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर रॉ, आईबी, सीबीआई जैसी इंटेलिजेंट एजेंसीज आती हैं। अगर बात करें सैलरी की तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी 44,900 से 1,42,000 तक होती है, डिपेंड करता है उसकी ग्रेड पर। उम्मीद है कि मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में समझा दिया होगा कि कैसे आप एक सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि मात्र 1% से भी कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।